नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऑलजोन टाइम्स न्यूज की खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। आज के इस कड़ी में हम आपको दर्शन करवाएंगे दिल्ली के सीतली जनकपुरी में स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर, जिसे श्री राम मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ हिंदू धर्म के लगभग सभी भगवानों की बहुत ही भव्य एवं मनमोहक प्रतिमाएं हैं। जब हमने मंदिर की कार्यकारिणी और वहां आने वाले श्रद्धालुओं से बात की तो पता चला कि यहाँ धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ कई तरह की सामाजिक गतिविधियां भी चल रही हैं, जिससे जनकपुरी का ये राम मंदिर पूरी दिल्ली में चर्चा का विषय बना हुआ है। मंदिर से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां जानने के लिए हमने बात की मंदिर के चेयरमैन श्री भूषण लाल पाराशर जी से। चलिए आपको दिखाते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी, परंतु मंदिर की ज़मीन हमें वर्ष 1977 में मिली। हमारा परम सौभाग्य रहा कि इस मंदिर के अंदर जो एशिया की लार्जेस्ट कॉलोनी है जनकपुरी, उस मंदिर को बनाने में, उसके विस्तार में, उसको सेवा और संस्कारों का केंद्र बनाने में एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हमें ये गर्व है कि ये मंदिर आज दिल्ली का एक आदर्श मंदिर गिना जाता है। सनातन धर्म वर्ष का विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, लगभग 2 अरब वर्ष पुराना ये धर्म है। इसलिए इस मंदिर का नाम सनातन धर्म मंदिर रखा गया है और इस रोड का नाम, यद्यपि श्री राम मंदिर मार्ग है और ये राम मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया है, तो ये मंदिर जो है ये भारत विकास परिषद, धार्मिक सामाजिक महासंघ और सनातन धर्म प्रति सभा का भी केंद्र है। भारत विकास परिषद के माध्यम से यहाँ जो हमारे विकलांग लोग हैं उनकी सेवा की जाती है, उनको निःशुल्क टांगें, हाथ, बूट आदि दिए जाते हैं। इसी तरह से अभावग्रस्त परिवारों को प्रतिमास कपड़ों के लिए, भोजन के लिए सामग्री दी जाती है और जो हमारे वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले बंधु हैं, परिवार हैं, जिनकी संख्या लगभग 10 करोड़ है, उनके लिए भी इस मंदिर ने लगभग 20 लाख रुपया इकट्ठा करके प्रतिवर्ष वहाँ दिए जाते थे। मैं स्वयं वहाँ नॉर्थ ईस्ट में और राजस्थान में इन अपने ट्राइबल्स को देखने के लिए जाता हूँ। जनकपुरी का श्री राम मंदिर देखने में बहुत ही आकर्षक है। यहाँ नाना प्रकार की चित्रकारी मंदिर की दीवारों को और भी सुंदर बनाती है। इनके अलावा इस मंदिर में कई तरह के सामाजिक कार्य भी हो रहे हैं, जिसका क्षेत्रीय जनता भरपूर लाभ उठा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के सीतली जनकपुरी में स्थित श्री राम मंदिर बहुत ही भव्य और आकर्षक है। इस मंदिर में हिंदू धर्म के लगभग सभी भगवानों की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इस मंदिर के अंदर धार्मिक कार्यों के साथ साथ हम सामाजिक कार्यों की ओर भी पूरा ध्यान देते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, युवकों को अच्छे संस्कार मिले, जहाँ तक सेवा प्रकल्पों का ताल्लुक है, यहाँ पर अनेक सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ पर भंडारे चलते हैं हर बुधवार को और शनिवार को, जिसमें लगभग 200-250 के करीब लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, तो आसपास से लोग, स्कूलों के बच्चे, ये सब लोग यहाँ आकर के भंडारे के अंदर भाग लेते हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों की सुविधाओं के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिसका भक्तगण भरपूर लाभ उठा रहे हैं। मंदिर के पीछे
एक पार्क है जिसमें प्रतिदिन योगाभ्यास करवाया जाता है। इस मंदिर के प्रेरणा स्रोत चेयरमैन श्रीमान भूषणलाल प्रासर जी के सानिध्य में यहाँ पर योग की कक्षाएं चलती हैं। योग और साधना का मुख्य यह केंद्र है। प्रातः 5 बजे से 6:30 बजे तक यहाँ पर योग की क्लासें लगती हैं। गर्मियों में 15 दिन का स्कूल की छुट्टी होती है बच्चों की, वहाँ पर योग की उनकी कक्षाएं उनको कराते हैं। कम से कम 100 बच्चे उस योग कक्षा में भाग लेते हैं और उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। मंदिर में एक ध्यान कक्ष भी है। यहाँ एक धार्मिक पुस्तकालय की व्यवस्था भी की गई है जहाँ पर सभी प्रकार की धार्मिक किताबें उपलब्ध हैं। लगभग 12,000 पुस्तकें इस पुस्तकालय के अंदर हैं और लगभग 100 मैगजीन जो लोग यहाँ रोज पढ़ने के लिए आते हैं वो भी यहाँ उपलब्ध हैं और इसका शुल्क मात्र 25 रुपया सदस्यता शुल्क रखा गया है। इसी तरह से वैवाहिक सेवा भी हमारे मंदिर के अंदर उनका 2 समय रखे गए हैं। सुबह जो है 11 बजे से 1 बजे तक वहाँ बहन हमारी वीना विज जी और सरोज सचदेवा जी और शाम को 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हमारी 2 बहनें सुनीता जी और आशा जी इस कार्य को देख रही हैं। बसंत पंचमी के दिन हम सामूहिक विवाह यहाँ करते हैं और साल में एक बार परिचय सम्मेलन होता है, उसमें 400-500 लोग यहाँ आते हैं। उन परिवारों के रिश्ते, उनके नाम, उनकी पूरी डिटेल यहाँ बताई जाती है और कई रिश्ते यहीं पर सेटल हो जाते हैं। इस मंदिर में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक तीनों प्रकार के औषधालयों के साथ साथ नेत्र जांच केंद्र तथा फिजियोथेरेपी केंद्र भी बनवाए गए हैं। फिजियोथेरेपी केंद्र में आधुनिक प्रकार की मशीनों द्वारा बहुत ही कम शुल्क पर लोगों का इलाज किया जाता है। आज के युग में मंदिरों में हमने देखा है कि युवा वर्ग जो है मंदिरों से दूर जाता जा रहा है। आज मंदिरों बच्चों को मंदिर आने में रुचि नहीं है क्योंकि उनको संस्कार नहीं दिया गया। ये हमारा सनातन धर्म मंदिर ये बच्चों को संस्कार डालने के लिए ही ये जो है सब बच्चों को जोड़ने के लिए हम हर मंगलवार को और दूसरे मंगलवार को और चौथे मंगलवार को यहाँ पर सामूहिक हनुमान चालीसा का और भजनों का कार्यक्रम होता है। और इसी तरह इसी मंदिर में हमारे समय समय पर मेडिकल कैंप भी लगते रहते हैं ताकि सबकी सेहत के लिए ठीक रहें। उसमें हमने यहाँ पर कैंसर का भी करवाया, आयुर्वेदिक की करवाया, आर्थों का करवाया और कार्डियो का करवाया, समय समय पर डेंटल का, सारे कैंप यहाँ हमारे लग जाते हैं ताकि सबके लिए सबकी सेहत बनी रहेगी तभी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। धन्यवाद। साथ ही महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र भी है जहाँ बहुत ही कम शुल्क पर महिलाओं को सिलाई सिखाई जाती है। इन सबके अलावा मंदिर में निर्धनों के लिए लंगर, वैवाहिक सेवा, महिलाओं के लिए सत्संग मंडली, बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंच, युवाओं के लिए युवा संघ आदि अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। सनातन धर्म मंदिर या राम मंदिर एक दिल्ली का आदर्श मंदिर है। कोई भी आदर्श मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत वैराइटीज ऑफ वर्क होते हैं, इतने तरह के काम होते हैं, उस कामों को करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। भवन निर्माण समिति, विश्व समिति, भंडारा समिति और जो फंक्शन होते हैं जितने भी उसके लिए अलग समितियाँ बनाई गई हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, होम्योपैथी है, फिजियोथेरेपी है और दूसरी भी सारे तरह की सुविधाएं हैं, उसके लिए अलग कमेटी है। इनके काम करने से ही, क्योंकि ये आदर्श मंदिर बना, ये कमेटियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो सीनियर सिटीजन रिटायर्ड आदमी है या लेडीज़ हैं वो उसमें भाग लेती हैं। इसका प्रोग्राम हर हफ्ते शुक्रवार के दिन शाम के टाइम होता है, उसमें हर एक को मौका दिया जाता है। भजन भी होते हैं और जो धार्मिक प्रवचन है उस टाइप भी होता है और सीनियर सिटीजन को घुमाने के लिए हम हर साल कहीं ना कहीं दिल्ली में बाहर लेके जाते हैं। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में एक कैंप लगता है जिसमें लगभग 80 से 100 बच्चे
प्रतिवर्ष भाग लेते हैं और उसमें बच्चों को शारीरिक क्रियाएं करवाई जाती हैं, योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि ये योगिक क्रियाएं करवाई जाती हैं। प्रस्तुत आप न्यूज चैनल का हम तहे दिल से मंदिर में स्वागत करते हैं। आपने बहुत यहाँ पर अपना समय दिया। तो दर्शकों, आज हमने दर्शन किए जनकपुरी के श्री राम मंदिर के और जाना उस मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को। हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक और मंदिर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और हिट कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।